मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज वीडियो बना रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन दी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट एंड दी बल्क एक्सपोर्ट, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स और क्वेरीज आ रही थी। लोगों ने पूछा था कि सर डिफरेंस क्या है, आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए इतना बोलते हैं, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट और बल्क एक्सपोर्ट में क्या बेसिक क्या डिफरेंसेस है। सो कंपैरिजन मैंने ये बनाया हुआ है, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है और जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है उसमें प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि स्पेसिफिक टू कुछ गाइडलाइंस हैं जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, कंट्री स्पेसिफिक है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमको कंसिडर करनी होती है। तो वो चीज़ों को अगर हम साइडलाइन करते हैं तो जो बेसिक मोटा मोटा डिफरेंस आएगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या है। तो चलो फ्रेंड्स, बेसिक डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। हर वीडियो में आपको बताता हूँ जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्सपोर्ट का सेम है, चाहे आप बल्क एक्सपोर्ट करें चाहे आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करें। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आप मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है डिटेल डॉक्यूमेंटेशन पे, आप वो देख लेना, उसमें पूरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। समरी भी कर देता हूँ मैं, फटाफट बोल देता हूँ। एक करंट अकाउंट आपको चाहिए होता है, जीएसटी नंबर कंपलसरी है, आईसी कोड आपको चाहिए होता है, एलयूटी आपको चाहिए होता है, एलयूटी ऑप्शनल है, आप आईजीएसटी पे करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एडी कोड आपको चाहिए होता है और एक दो डॉक्यूमेंट्स है, वो वीडियो आप देखना, उसमें मैंने डिटेल बताया हुआ है। सो डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ सेम हो गया। दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोई एक तो अपनी वेबसाइट से भी आप सेल कर सकते हैं, सेकेंडली आप अमेजोन, ई बे, इट्सी सब पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, उनके थ्रू कर सकते हैं। तो उन पे फ्री अकाउंट कैसे मेंटेन करना है उस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उनके थ्रू आप फ्री अकाउंट में कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके कुछ 5000 कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ला के, मतलब आपने अगर मान लीजिए 10 SKUs आपने डिफरेंट लिए, सबकी दो दो क्वांटिटी भी ली, लिस्ट कर दी, तो आपका काम यहाँ से चालू हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन आप करा चुके हो, वेबसाइट पे कोई चार्ज नहीं है, आप वहाँ लिस्टिंग करेंगे आपकी, आप एज अ एक्सपोर्टर के लिए आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होना चालू हो जाएंगे। सेकेंडली यहाँ पे 2 से 5 लाख मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, 2 से 5 में मिनिमम ये है कि आप कोई बल्क एक्सपोर्ट करोगे तभी आपको कुछ मार्जिन इसमें मिल पाएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको बड़ा ऑर्डर भी मिल जाता है तो इनिशियली नॉर्मली जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो एडवांस पेमेंट तो आपको कोई करेगा नहीं, कुछ पेमेंट कुछ अमाउंट पेमेंट करेगा, बाकी जो इनिशियल आपको मैन्युफैक्चरिंग करानी है, कुछ रॉ प्रोडक्ट्स हैं या कुछ आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो इनिशियल जो आपको पेमेंट मिलेगी बाकी आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, या तो आप बैंक लोन लें उस बेस पे जो आपको परफॉर्मर इन्वेस्ट मिला है उस बेस पे, आप या तो बैंक लोन लें या आप कहीं से भी अरेंज करें उसके थ्रू आप कर पाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे आप अगर एज अ इनिशियली आप एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो, अभी एंटर कर रहे हो, तो आप ई कॉमर्स से स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा हो गया पेमेंट। जो ये पेमेंट ये है जो बायर परचेस करेगा, तो यहाँ पे क्या है, ओनली एडवांस पेमेंट मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है। आप अमेजोन, ईबे किसी के भी थ्रू कर रहे हो तो वहाँ पे कोई सीओडी ऑर्डर जैसा जो इंडिया में चलता है, वो बाहर ऐसा कहीं कुछ नहीं चलता है, वो अमेजोन को पेमेंट करेगा कस्टमर, आपको अमेजोन पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बट वो 15 या 30 डेज़ का जो भी टाइम है, सब वेबसाइट का थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, वो होल्ड रहेगा पेमेंट, आप यहाँ से शिप करेंगे, कस्टमर को डिलीवर होगा, उसके बाद पेमेंट आपको रिलीज़ हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो कस्टमर है उसने एडवांस पेमेंट किया हुआ है, सो वो भी इक्वली उसके लिए भी उतना ही रिस्क है, तो वो यहाँ पे उसने करा हुआ है। और अपने यहाँ पे अगर हम बल्क केस करते हैं तो बल्क में क्या होगा, नॉर्मली जो अभी चल रहा है वो 30-70 वाला चल रहा है, 30 आपको वो इनिशियल एडवांस पेमेंट करेगा, आप अपना शिपमेंट रेडी करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद आपको 70% जो है वो या तो आप उसके पोर्ट पे डिलीवर करेंगे या एलसी होगा तो उस बेस पे आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी उसमें ऑप्शन होता है। हाँ, एडवांस पेमेंट भी होता है बिल्कुल, आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे तो नहीं बट बहुत कम होते हैं जो एडवांस पेमेंट करेंगे, बट नॉर्मली छोटे ऑर्डर्स में होता है, अगर कोई 50,000, 1,00,000 ऐसे ऑर्डर्स हैं तो वहाँ पे बायर एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं बल्क में। पर जो बड़े ऑर्डर्स होंगे 15,00,000, 20,00,000, 5,00,000, तो कोई भी आपको फॉरेन बायर, जब तक अगर आपका कोई रिलेटिव है या ऐसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो कोई भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं करेगा फुल 100%। तो ये भी चेक करना है ना कि बायर भी तो उतना ही रिस्क में है, बायर को भी तो डाउट है आप उसको शिप करोगे नहीं करोगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओन वेबसाइट, यहाँ पे क्योंकि आप अमेजोन, ई बे सब पे फ्री है, आप उनके थ्रू भेज सेल कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शनल है, आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, शॉपिफाई इन सब के थ्रू आप अपनी वेबसाइट बना के वहाँ से भी कर सकते हो, बट अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ई कॉमर्स मेनली अगर आपको स्टार्ट करना तो ये ऑप्शनल है, बट आप मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वेबसाइट होनी है,
बट यहाँ पे आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी फॉरेन बायर है तो वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? बेसिकली आपके ऑफिस में यहाँ विजिट करते तो आएगा नहीं वो इंडिया में, बट वो आपकी वेबसाइट देखेगा, आपका पोर्टफोलियो देखेगा, जो आपने वहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ है, अबाउट अस दिया हुआ है, वो सब गो थ्रू करेगा, स्टडी करेगा, तब वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो एक वेबसाइट होना बहुत ही कंपलसरी मैंडेटरी है बल्क ऑर्डर्स के लिए। उसके बाद हो गया RCMC, जितने भी ये गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है RCMC, जैसे अपेडा है, फीओ के भी RCMC फीओ भी प्रोवाइड करता है, ऐसे हर ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी के अपने अपने काउंसिल्स हैं, तो वहाँ का आपको ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप बल्क में करते हैं, अगर आप एक एक दो दो छोटे छोटे ऑर्डर्स भेजें तो वहाँ पे ये ऑप्शनल आप ले भी सकते हैं, तो आपको MEIS बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और नॉट रिक्वायर्ड मैंने इसलिए मेंशन किया है कि कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आप चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, बट कुछ प्रोडक्ट्स इसमें मैं हटा देता हूँ, जो 2-5% प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी करा हुआ है कि भैया उनके लिए तो आपको लेना ही है, नहीं तो अप्रूवल नहीं होगा, कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया 2-5% यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आप जो छोटे ऑर्डर्स भेजेंगे, जितने भी सर्टिफिकेट आपके जाएंगे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ओरिजिन का डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, जो स्पेशली आपको यहाँ RCM जो आपके काउंसिल्स हैं, प्रमोशन काउंसिल्स, उनके थ्रू आप लेते हो, तो वो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपको एक जो आप डॉक्यूमेंट होंगे एक्सपोर्ट के जो आपकी शिपमेंट के साथ जाएंगे, उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, मतलब वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि उसकी जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी ओरिजिन कंट्री क्या है, तो वो स्टैम्प साइन होता है, तो वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसका कोई चार्ज नहीं है। बट अगर आप बल्क में कर रहे हो तो ये मैंडेटरी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेट ओरिजिन। नॉर्मली प्रमोशन काउंसिल में आपको 500 या ऐसा कुछ उसका रेट रहता है, इतना ही रहता है, 500 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 400-500, कुछ 200 में भी देते हैं, तो वो आपको मिल जाता है। बायर सर्च, अब यहाँ पे ई कॉमर्स में क्या हो गया कि जो वेबसाइट है Amazon, eBay, Etsy, जो भी बायर्स है वो उनके बायर्स हैं, प्रोडक्ट आपके वहाँ पे सेल हो रहे हैं, बट बायर जो है वो Amazon को .com को ट्रस्ट करके बायर आता है, वो परचेस करता है, तो यहाँ पे आपको सर्च नहीं करना पड़ता, वो उसके बायर्स हैं, वो आपका अगर प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले में है, उनको अच्छा लगता है तो वो परचेस करते हैं, तो वो सारी मेहनत जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बायर सर्च के लिए नहीं जाना पड़ता। बट अगर आप बल्क एक्सपोर्ट करोगे तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बायर कहाँ से मिलेगा। काफ़ी लोग आपको ये पूछते हुए मिलेंगे, एक्सपोर्ट सीख लिया, सब कुछ कर लिया, बायर कहाँ से मिलेगा? बायर की आपको लिस्ट ऑफ बायर्स आप ढूंढोगे, उनको कॉन्टैक्ट करोगे, बट कोई भी बायर, आप खुद सोचिए, कोई भी बायर एक न्यू सप्लायर से क्यों डील करेगा बिजनेस? उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। अगर बायर मिला भी तो हो सकता है वो फ्रॉड बायर होगा, जो आप उसको पता चल जाएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं चेक करने के लिए, वो आपका यही चेक कर लेगा कि आपने यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन में IC कोड कब आपने लिया हुआ है, उसमें डेट उसको पता चल जाएगी आपने कब लिया है, उसको पता चल जाएगा कि आप न्यू सप्लायर हो, न्यू सेलर हो, एक्सपोर्ट के बिजनेस में न्यू हो, तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे आपको इतना फिक्र नहीं करनी है, इसमें जो बायर्स आ रहे हैं उनके उसी में आपको वेबसाइट के विदिन वेबसाइट आपको थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट चलानी है, कुछ डील्स चलानी है, कंटेंट फोटोग्राफ्स आपको अच्छी रखनी है ताकि आपके पास ऑर्डर्स आएँ, तो यहाँ पे भी आप बायर सर्च के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। तीसरा, रिस्क में आपको ये देखना है कि देखिए रिस्क क्या इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे ऑर्डर्स आएंगे, $10 का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, $20 का बेच रहे हैं, $50, $100 आप कोई कर रहे हैं, तो रिस्क क्या है पर ऑर्डर? अगर आपने ये शिप किया $20 का और बायर वहाँ पे डिलीवर होने के बाद बायर बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट डैमेज आया या मुझे पसंद नहीं आया या कोई भी रीज़न होता है XYZ, तो उतने का ही रिस्क है। सारे बायर तो फ्रॉड नहीं होंगे ना, ये ऐसा, और वैसे भी 1-2% से ज़्यादा ई कॉमर्स में, 2% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप Amazon इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ या इंडिया फ्लिपकार्ट जितनी भी इंडियन वेबसाइट है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं US में, वहाँ पे अगर किसी भी कोई आप सेलर से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% ही रिटर्न उनके आते हैं, रिटर्न आते भी नहीं है, बायर रिक्वेस्ट रेस करता है अगर आपने कुछ डिटेल्स नहीं मेंशन किया या ऐसे कुछ चीज़ है, तो वो चीज़ें आप नहीं करेंगे, तो इतना ही रिस्क है। जब मैंने प्रोडक्ट ही $20 का, $1,000 का, $2,000 का भेजा है, तो मेरा रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व होगा, कोई और कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो मैंने किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। बट यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आपका पूरा कंटेनर अगर आप शिप कर रहे हैं या आप बल्क में कुछ भेज रहे हैं, जैसे यहाँ पे 70% आपका पैसा है LC है, और ये सारी चीज़ें रिस्क में, जब तक आपके पास पेमेंट नहीं आती, ये सब आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस होने चाहिए, आपको सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी, बायर के बारे में आपको काफ़ी सर्च करना पड़ेगा कि बायर फ्रॉड तो नहीं है। बायर को चेक करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप उसकी उस कंट्री की एम्बेसी से कैसे उसका वेरिफिकेशन करा सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, ये आपका हेडेक है। बट यहाँ पे क्या है कि ये रिस्क में आप यहाँ पे सेफ हो जाते हैं, तो ये इतने का ही रिस्क है। सेकेंडली, मैं कभी भी आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट से आप स्टार्ट करें, बट हमेशा मेन टारगेट आपका बल्क एक्सपोर्ट ही होना चाहिए।
मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट है, आप इनके थ्रू कर रहे हो, इनके प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, प्रोडक्ट आपका है, बायर उनका है, उनके नाम पे परचेज हो रही है। बट जो मेन आगे आपको ये, जब इनिशियल लेवल पे आपको कुछ 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आप जब ये पूरी तरीके से कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन, शिपमेंट, ये सब आपका कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप बल्क एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, आप साल दो साल कर चुके होंगे, आपकी आईसी कोड, आपकी कंपनी पुरानी हो चुकी होगी, तो पहले तो जो भी आपकी कंपनी का प्रोफाइल चेक करेगा, कोई बायर सप्लायर का डिटेल्स देखेगा, तो वहाँ पे तो आप वैसे ही सेफ हो जाओगे। 2 साल 3 साल पुराना है, इसका मतलब बेसिक से चीज़ समझ में आती है। आप डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट, शिपमेंट सब कुछ करोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बेसिक चीज़ों पर आप गलती नहीं करोगे। दूसरा जो रिस्क कवर है यहाँ पे, इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें, आप उन चीज़ों को के साथ फिर आपके लिए हो जाएगा। मतलब 50% तो आप कवर कर चुके, 50% या 80% आप चीज़ें कवर कर चुके होगे, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट सीख चुके होगे, जितनी भी टैक्स फाइलिंग है एक्सपोर्ट की, DGFT की वेबसाइट पे जो भी FIRC BRC है, जो बैंक रियलाइजेशन, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको करना है। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है तो आप वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, वो मैंडेटरी है, वो नहीं करोगे। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये सेम है, वो आपको करना ही करना है, तो वो आप वहाँ पे आपकी लर्निंग हो जाएगी। सिर्फ आपकी कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो आपको यहाँ LC पे काम करना पड़ेगा, बायर की वेरिफिकेशन आपको कैसे करनी है वो करना पड़ेगा, बायर सर्च कैसे करें वो करना पड़ेगा। हो सकता है बायर आपको यहीं से मिल जाए, आपकी वेबसाइट से वो सैंपल ऑर्डर करें, फिर आपको कॉन्टैक्ट करें मैसेज के थ्रू कि मुझे बल्क में चाहिए, तो आप यहां से भी शिपमेंट कर सकते हैं। तीसरा एक चीज़ है, जब आप यहां पे amazon.com, जो एक आपको USA वाला या दूसरी कोई भी कंट्री में है, बहुत अच्छी फैसिलिटी क्या दे रहा है, वो आपको FBA की सर्विस दे रहा है। आप amazon USA में उनका वेयर हाउस यूज़ कर सकते हैं, तो जब आप वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजेंगे तो वो क्या होगा, वो बल्क एक्सपोर्ट होगा। आप वेयर हाउस में अगर FBA में उनके प्रोडक्ट इंडिया से भेज रहे हैं, तो मिनिमम आप कुछ क्वांटिटी अगर भेज रहे हैं तो कम से कम 50 पीस भेजेंगे, 100 पीस भेजेंगे, कम भी भेज सकते हैं ऐसा नहीं है, बट आप ज़्यादा भी भेज सकते हैं, तो वो आप बल्क एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपका एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जो बल्क का है आपका, अभी आप छोटे छोटे ऑर्डर्स कर रहे थे सेल्फ शिप में, पर जब बल्क भेजोगे तो आपके वहाँ पे जो भी डाउट्स हैं बल्क शिपमेंट को रिगार्डिंग, वो भी क्लियर हो जाएंगे सारे। अगर बहुत बड़ा शिपमेंट तो बाय सी जाएगा, नहीं तो बाय एयर जाएगा, तो वो भी आप सीख लोगे। तो अब बचा क्या, आप तो पूरे एक्सपोर्टर ही बन गए ना, अब आपके आईसी कोड पे जो एक्सपोर्ट काउंट होंगे वो ये सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होंगी, तो इतना आप कर चुके हो। अब यहाँ पे आपको कोई, आप जो FBA में भेज रहे हो, मान लीजिए आप कोई होम डेकोर में डील करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कॉटन बेडशीट सेल करते हैं, तो यहाँ पे आप बल्क में 50 पीसेज 100 पीसेज यहाँ पे आप भेज रहे हैं amazon FBA में। आपको कोई बायर यहाँ से कॉन्टैक्ट करता है आपके पास, आप ये काम कर रहे हैं साल दो साल से, ठीक है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर 6 महीने से भी आप अगर कर रहे हैं, 2 महीने से भी कर रहे हैं, तो आपको कोई कांटेक्ट करता है और बोलता है मेरे को 100 पीस चाहिए एज अ इनिशियल ऑर्डर, तो आप मना थोड़ी ना करेंगे, आप FBA में जैसे भेज रहे हैं वैसे ही आप उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। पेमेंट का आपको ध्यान रखना है, एडवांस पेमेंट लेनी है आपको हमेशा, छोटे ऑर्डर्स जो हैं 1-2 लाख 5 लाख से नीचे तक में कुछ है तो एडवांस पेमेंट में आप काम करिए, आप LCO इन सब में काम नहीं कर पाएंगे, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी छोटे ऑर्डर्स हैं 1-2 लाख के, उसमें आपको एडवांस में काम करना है, जो भी ऑर्डर्स आपके पास आते हैं। LC इन सब में कुछ बैंक चार्जेस रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर्ड होती है, तो 10 से 15 हज़ार आपके उसमें चले जाते हैं, तो उतने, जैसे 1 लाख का ऑर्डर है तो उसमें अगर 15 हज़ार आप डॉक्यूमेंटेशन और उन सब चीज़ों में दे दोगे, प्रोसेसिंग फ़ी ये सब, तो आप काम मार्जिन कैसे करोगे, तो वो सब चीज़ें बड़े ऑर्डर्स के लिए, बड़े ऑर्डर में आप बिल्कुल आप इसमें डील करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरी तरीके से करिए, कंप्लाइंस सारे फॉलो करिए, इंश्योरेंस प्रॉपर तरीके से लीजिए और उस तरह से डील करिए। तो ये जो मैंने डिफरेंस आपको बताया हुआ है, ये बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, आप इनिशियल लेवल पर एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर हो रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस वे से आप एंटर हो सकते हैं ज़्यादा, विदाउट ज़्यादा रिस्क लिए हुए, तो आप ऐसे एंटर हो सकते हैं। सेकेंडली आप यहाँ से ऐसे मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी टाइमली नहीं है कि आपको 2 साल ही सेल करना है, 5 साल ही करना है, आप 2-3 महीने में बेसिक चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप डे वन पे ही सीधे यहाँ पे कूद जाएंगे और यहाँ पे काम करना चालू करेंगे तो आप हो सकता है फ्रॉड, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्वियसली बात है कोई भी काम आप कर रहे हैं अगर उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि आपके एंड से एरर हो जाए, आपके साथ फ्रॉड हो जाए, कुछ भी गलत हो सकता है, तो वो चीज़ों के लिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ इनिशियल लेवल पे आप मत जाइए। ये तो 5 लाख या 20 लाख का भी आप कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ये टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, और अपना डिसीजन ले सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं।